हाँ जी बेटे, डिटरमिनेंट का नेक्स्ट लेक्चर है और वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। दो डिटरमिनेंट्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे और वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी नोट कर लो कि जो डिटरमिनेंट है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूँ डिटरमिनेंट। अगर एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। So, इसका हम डिटरमिनेंट इजली फाइंड आउट कर लेंगे। इफ ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। मैंने बोला ना सेम ऑर्डर चाहिए भाई बेटे। अगर ये मैट्रिक्स जो है वो थर्ड ऑर्डर की है, यानी कि थ्री रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं इसमें, सो ये ही थर्ड ऑर्डर का क्या होना चाहिए? दूसरा मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर सेम ऑर्डर के हैं तो ही हम उनको डिटरमिनेंट ही नहीं रहेंगे। ये मतलब मल्टीप्लाई करके बताऊंगा मैं मैट्रिक्स को कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मैट्रिक्स है 2x2 की और ये मैट्रिक्स है 3x3 की, मल्टीप्लाई हो गई नहीं इन दोनों का, क्योंकि ये 2 और ये 3 सेम होना चाहिए था, ये सेम नहीं है। मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, ठीक है। और देन यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए बी का जो होल मॉड है, ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स को और फिर उसका होल डिटरमिनेंट निकाला, वो इक्वल होगा अगर अलग से मैं ए का पहले क्या कर लूं डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लूं, फिर बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लूं। और ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए का प्रोडक्ट और उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर देते हैं तो वो इक्वल आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही होगी। और प्रूफ इसका कैसे? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, दोनों के ऑर्डर कितने एन है। एंड इफ ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, और ए बी जो है दोनों मैट्रिसेस का क्या है? प्रोडक्ट है। So, आगे हमने क्या बोला? द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। दैट इज, इसका मतलब समझो, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, दोनों के ऑर्डर क्या है एन है। एंड इफ ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, और ए बी जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का। ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, जो मैट्रिक्स ए बी है उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। दैट इज, ठीक है, इसको देखो, दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर एन है। और इफ ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ए बी जो है वो दो मैट्रिक्स का क्या है? प्रोडक्ट है। द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है, ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, इन दोनों मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के। मतलब ए का भी आपने क्या निकाला? डिटरमिनेंट निकाला। बी का भी निकाला, उन दोनों क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही होगी। सो अब ऐसे ही क्या होगा कि बी ए का होल डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। मेरी बात यह भी समझ आ गई होगी आपको, ठीक है जी। आगे, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी आर नंबर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी एक नंबर है, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी एक क्या है? नंबर है। द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड फॉर देयर प्रोडक्ट, जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड होगा उनके प्रोडक्ट में भी। प्रोडक्ट में कैसे? एंड अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो वो इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के। ओके, सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। मतलब कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी आर नंबर्स हैं, ये दोनों ही नंबर्स हैं, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए एक नंबर है मान लो 4, तो डिटरमिनेंट एक नंबर ही आता है, और डिटरमिनेंट ऑफ बी भी एक नंबर है मान लो 5, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 20, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर देयर प्रोडक्ट। तो कम्यूटेटिव लॉ तो अप्लाई हो ही जाएगा भाई, नंबर्स के ऊपर तो अप्लाई होते ही है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, या 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से, तो बात सेम ही है, ठीक है। सो यानी कि यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है, यहां भी डिटरमिनेंट ऑफ बी आ रहा है, दोनों को प्रोडक्ट करो या डिटरमिनेंट ऑफ बी को डिटरमिनेंट ऑफ ए से प्रोडक्ट करो तो बात तो सेम ही है, क्योंकि नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को 5 से करो या 5 को 4 से करो, बात तो सेम है। नेक्स्ट, दस ए बी का होल डिटरमिनेंट इक्वल होगा बी ए का होल डिटरमिनेंट, अभी हमने प्रूफ किया यहां से, ठीक है। ऑल्दो द मैट्रिक्स ए बी इज नॉट द सेम एज द मैट्रिक्स बी ए, लेकिन मैट्रिक्स ए बी जो है वो सेम नहीं आएगी किसके? बी ए के। मैट्रिक्स नहीं होती है सेम, है ना, डिटरमिनेंट उनका सेम आ सकता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड वेयर रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जैसे डिटरमिनेंट में आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अगर मैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर देता हूं तो यहां आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के सेम होगी, है ना। सो लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर ये मैट्रिक्स होती है, अगर दैट विल बी ए मैट्रिक्स, ओके, कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की है, सो ये इसके इक्वल नहीं होगी बेटे, दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ओके। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज अनऑल्टर्ड व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, वेयर एज सच एन इंटरचेंज डज नॉट लीव ए जनरल मैट्रिक्स अनऑल्टर्ड। मतलब कि इस तरीके का इंटरचेंज हम अप्लाई नहीं कर सकते मैट्रिक्स में, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। सो इफ ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, ठीक है, सो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद में उनका डिटरमिनेंट निकालो, या बी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो, या फिर ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये सब क्या है, सेम है। और मैंने प्रूव भी कराया कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर एन, एंड इफ ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन है, और इफ ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो यानी कि ए बी का जो होल डिटरमिनेंट है वो इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के, ठीक है, ऐसे ही बी ए का होल डिटरमिनेंट इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बातें आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस मॉड ए एंड मॉड बी आर नंबर्स, ये दोनों ही क्या है, नंबर्स है आपके, दे आर नंबर्स, द कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर देयर प्रोडक्ट एंड, भाई कॉम्पिटेटिव लॉ तो नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो ही जाता है, दस ए बी का जो होल डिटरमिनेंट है वो इक्वल आएगा बी ए का होल डिटरमिनेंट के, although the matrix AB is not the same as the matrix BA, जो matrix AB है वो इक्वल नहीं होगी किसके, BA के, ठीक है, this is due to fact that the value of a determinant is unaltered, जो value है किसकी determinant की वो change नहीं होगी when rows and columns are interchanged, अगर rows और columns क्या हो गए, interchange हो गए, there is such an interchange does not leave a general matrix unaltered, मतलब matrix में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे यहां मैंने क्या लिखा है, टू डिटरमिनेंट्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारी वैरायटीज है, मतलब अगर आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, द नेचुरल वेज टू मल्टीप्लाई देम सिमिलर टू मैट्रिसेस, अच्छा मैट्रिसेस को कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, रो बाय कॉलम का मतलब क्या हुआ, मैं यहां लिखने जा रहा हूं रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, सो रो बाय कॉलम का मीन्स क्या है, देखिएगा जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, यू कैन ऑल्सो से स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, सो हियर इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3x2, ओके, 1, 0, 2, 1, 3, 4, दैट मैट्रिक्स इज ऑफ 3x2, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, so multiplication matrix will be of 3x2 order, okay, so बड़ा सिंपल सा है कि आप इस रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे तो जाएंगे 1 into 1, 1 आएगा, 2 into 2, 4 आएगा, 3 into 3, 9, ठीक है, और मेरी बात समझा रही होगी आपको, ठीक है, so first row ने जाके किसे मल्टीप्लाई किया, first कॉलम के साथ, ऐसे ही फर्स्ट रो जाके किसे मल्टीप्लाई करी, सेकंड कॉलम के साथ, है ना, सो वो एलिमेंट आगे आएंगे, फर्स्ट रो जाके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 1 into 0, 0, फिर 2 into 1, 2 प्लस 3 into 4, 12, ओके, ऐसे ही सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 4 into 1, 4, 5 into 2, 10, 6 into 3, 18, ठीक है, ऐसे सेकंड रो जाके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 0 + 5 + 6 = 24, ओके, ऐसे ही थर्ड रो जाके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, 7 × 7 + 8 × 16 + 9 × 3 = 27, ठीक है, थर्ड रो जाके सेकंड कॉलम के साथ 7 × 0 = 0 + 8 × 1 = 8 + 9 = 36, सो ये जो मैट्रिक्स आई है ये 3x2, ओके,
अब हम यहां इसको बाकी आपको जोड़ के लिखना है। सो मीन्स क्या हुआ, ये मेथड था रो बाय कॉलम का। कौन सा मेथड था भाई? रो बाय, देखो ये 3/2 की मैट्रिक्स भी बनती है, बिल्कुल सही, ये 3/2 की मैट्रिक्स है, 3 रोज है 2 कॉलम्स है। सो ये मेथड था हमारा रो बाय कॉलम का। ऐसे ही मैं अलग अलग मेथड आपको बताता हूँ। सो एक बड़ी बात होती है ये कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करती अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज करती है ना, ये तो हमने पहले बताया। तो इसलिए बहुत सारे मेथड, आप चाहे रो बाय कॉलम कर दो, कॉलम बाय रो करो, सो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। तो बहुत सारे वेज यहाँ हो जाएंगे मल्टीप्लाई के, तो मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां देखिए अलग अलग वेज लिखता हूं। रो बाय रो लिख लीजिए, कॉलम बाय रो लिख लीजिए, मेथड्स है रो बाय रो, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन सा बच्चा भाई? कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम से आप डिटरमिनेंट में करोगे, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करोगे, मैट्रिक्स में सिर्फ ये वाला रूल चलेगा, ठीक है जी। ओके, सो कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कोई एग्जांपल है, चलिए ले लेते हैं एग्जांपल भी। सो सी है, दैट्स द एग्जांपल, दैट इज ए डिटरमिनेंट ए वन बी वन ए टू बी टू, ए टू बी टू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिटरमिनेंट विद अनदर डिटरमिनेंट दैट इज एल वन एम वन एल टू एम टू, L1, M1, L2, M2। So, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है यहां। सो फर्स्ट रो जाके पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, फिर ऐसे फर्स्ट रो जाके सेकंड कॉलम से, यानी कि दैट इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि आ जाएगा ए वन एल वन प्लस बी वन एल टू, फिर यही फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि आ जाएगा ए वन एम वन प्लस बी वन एम टू, फिर यही सेकेंड रो जाके इससे मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि ए टू एल टू, सॉरी ए टू एल वन, ए टू एल वन प्लस बी टू, बी टू एल टू, ऐसे ये मल्टीप्लाई से करेगी तो आएगा ए टू एम वन प्लस बी टू एम टू। सो दैट इज आंसर। ओके, मल्टीप्लाई आपने कर दिया। सो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी कितने का होगा? सो वो जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी आपका 2/2 का ही होगा, है ना, सेकंड ऑर्डर का होगा। सो जरूरी नहीं, अभी हमने क्या किया, रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रो बाय रो से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। सो ए वन एल वन, फिर क्या आएगा बेटे, ए वन एल वन बी वन एम वन प्लस बी वन एम वन, ठीक है, ऐसे ही ये रो इससे मल्टीप्लाई कर दो सेकंड। सो मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, है ना, ये रो बाय रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो बाय रो से। सो ए वन एल टू, ए वन एल टू प्लस ए वन एम टू, ये आ गया, ऐसे ही ऐसे करेगा ए टू एल वन प्लस बी टू एल टू, ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए टू एम वन प्लस बी टू एम टू, ये बेटे आपका बन गया। ओके, सो ये आपने रो बाय कॉलम किया था, ये आर बाय सी है, रो बाय कॉलम दैट इज रो बाय रो, और ये आपका है कॉलम बाय कॉलम कर लो, है ना, कॉलम बाय रो रहेगा, चलो कॉलम बाय रो कर लेते हैं। सो दैट इज द कॉलम है ए वन एल वन, ठीक है, फिर प्लस ए टू एल टू। ओके नेक्स्ट, मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। सो ऐसे ही नेक्स्ट करो मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगा, ये कॉलम जाके, अब कॉलम ने किससे मल्टीप्लाई किया, कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, ये कॉलम इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ए वन, ए वन एम वन प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, प्लस ए टू एम टू। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हुआ क्या। सो ये वाला कॉलम पी वन L1 वन प्लस बी टू एल टू, बी वन एम वन प्लस बी टू एम टू। जरा देखो, और भी एक मेथड रह गया, ठीक है, जो आपको लिखे थे सभी मेथड। सो ये था हमारा कॉलम बाय कॉलम, सी बाय सी। सो कॉलम बाय रो रह गया, वो आप समझ सकते हो। अच्छा, हुआ क्या है यहाँ पे, दरअसल है क्या, ये क्या कहानी है, कुछ सोच सकते हो आप? कहानी बड़ी सिंपल है कि इसी रो को, ये जो रो है आपकी ये वाली, इस रो को कॉलम में मैं ला सकता हूँ, ठीक है, इसी रो को मैं कॉलम में ला सकता हूँ, कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी ये रो, तो वही सिंपली बनता चला जा रहा है। ओके,
बस ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारे अलग अलग मेथड जो है आ जाएंगे, जो भी हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला ए वन एल वन प्लस बी वन एल टू, सही है ये पहला मेथड। दूसरा था हमारा ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन, ए वन एल टू बी वन, हाँ ठीक है, देखो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, बाकी सब सही है ना। यहां देखो जरा, ए वन एल टू ये था हमारा आर बाई आर, ए वन एल टू प्लस बी वन एम टू आना था, सॉरी यहां गलती हुई है, बी वन एम टू, हाँ बाकी सही है देखो। और फिर ये फर्स्ट रो ने फर्स्ट पे मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ए टू एल वन प्लस बी टू एल टू, ठीक है, फिर ये ए टू एम वन प्लस बी टू एम टू, सही है बाकी सब सही है। सो ये रो बाय रो हो गया, इस तरीके से आपने सारे मल्टीप्लाई किए हैं और आप इनको इंटरचेंज करोगे, जैसे ये आपकी रो है तो वो कॉलम भी इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब ये वाला रो जो है वो आपका कॉलम में आ जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। सो बस ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है चलिए देखें। सो डिटरमिनेंट को आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। हाँ जी नेक्स्ट, शो दैट, इसको प्रूव करिए, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई ये आएगा, तो सिंपली आप कर सकते हो इसको बच्चे, है ना। देखिए फर्स्ट रो को ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सो यह वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू माइनस वन, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू फोर, ओके ऐसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से माइनस वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन, ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस वन इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू फोर, सो ये आ गया थ्री माइनस टू, क्या आ गया वन, माइनस थ्री और ये आ रहा है माइनस थ्री, माइनस सिक्स हो गया ये, सो ये आ गया एट और ये आ गया बेटे थ्री फोर था, सो आपके सामने प्रूफ है। सो ये टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो सिमिलरली दो डिटरमिनेंट्स जिनका ऑर्डर थ्री हो वो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिटरमिनेंट फोर ऑर्डर के भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सो ऐसे हम क्वेश्चन उठाते हैं अभी। सो ये डिटरमिनेंट टू ऑर्डर का था, ऐसे थ्री ऑर्डर का होगा, ऐसे फोर ऑर्डर का होगा, देखिएगा बेटे इस क्वेश्चन से आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कि ए बी का होल डिटरमिनेंट जो होता है वो ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। सो इसको हम वेरीफाई करते हैं, चलिए देखिए कैसे वेरीफाई आप करोगे। सो करते हैं स्टार्ट, है ना। सबसे पहले तो ए बी निकालते हैं, और ए बी क्या आएगा, ये फोर ऑर्डर का है भी, है ना। सो ये रही फर्स्ट रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या आता है, करें जरा जल्दी से स्टार्ट करो इसे। सो वन इंटू टू, सो टू आ गए, ये तो जीरो ही आने वाले हैं सारे मल्टीप्लाई करके, तो उसको लिखने की नीड नहीं। फिर यही फर्स्ट रो जाके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो वन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन, माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स, और फोर का मल्टीप्लाई जो जीरो का करने फायदा नहीं है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो वन इंटू सेवनटीन सेवनटीन आ गया, माइनस टू इंटू ट्वेंटी टू माइनस का फोर्टी फोर आ गया, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर आ गया, और यही फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो वन इंटू फोर फोर, माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस का सिक्स, फोर इंटू जीरो जीरो, और ये बाकी सब तो जीरो ही आने वाले हैं ना। तो ऐसे ही बेटे यहाँ हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेवन टू सा क्या आ गया फोर्टीन, फोर्टीन और बाकी सब जीरो, यही उससे मल्टीप्लाई करेगा तो सेवन इंटू सिक्सटीन, सो थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस का नाइन, ठीक है। और यही आपका इससे मल्टीप्लाई होगा सेवन इंटू सेवनटीन और थ्री इंटू ट्वेंटी टू और जीरो इंटू सिक्स और थ्री इंटू जीरो, सो ये सेवन इंटू फोर मल्टीप्लाई करो, सेवन इंटू फोर, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस का नाइन आ गया, सो जीरो और थ्री वन जा थ्री, ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड रो जाके से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस वन का टू से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का टू आएगा, बाकी सब जीरो ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही माइनस वन जाके माइनस सिक्सटीन और वन माइनस थ्री से माइनस थ्री, माइनस फोर जीरो से, और ये भी खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेगा, माइनस वन इंटू सेवनटीन माइनस का सेवनटीन, वन इंटू ट्वेंटी टू माइनस फोर इंटू सिक्स माइनस का ट्वेंटी फोर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो जाके से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का फोर माइनस का थ्री, जीरो मल्टीप्लाई करेगा या वन करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो नेक्स्ट, सो जीरो टू से मल्टीप्लाई करेगा जीरो, और बाकी सब जीरो ही आ जाएंगे, और यही फोर्थ रो जाके इससे मल्टीप्लाई करेगी,
जीरो ऑफ 16 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 9 और ये, ठीक है सही है। सो यही अब इससे मल्टीप्लाई करेगा, 0 22 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 66, 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, 0 का 1 से होगा 0। सो यही अब इससे मल्टीप्लाई करेगा 0, 3 का माइनस से माइनस 9 और 2 का 0 से 0 और 1 का 1 से 1, ठीक है। सो अब देखिए यो जो भी आ रहा है यहाँ लिख दो इसको प्रॉपरली, है ना, ये आ रहा है 22, ये आएगा 103, मैं लिख देता हूँ मेरे जो भी आ रहा है ना 22 और ये आएगा 103, माइनस 16 माइनस 3 माइनस का 19 माइनस का 9 और ये करो 24, 17 को जोड़ो 44 माइनस करो, सो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, माइनस का 3 और ये 1787 प्लस करो इसको 185 और ये आएगा 22 माइनस 10 माइनस का 2 आएगा और 17 जुड़ जाएगा तो माइनस का 19, 66 प्लस 12 78। नेक्स्ट 4 प्लस 6 10, 7 4 का 28, 28 प्लस करो ये 28 प्लस इनटू कितना था 27 है ना, सो कितना आया 22 ये आएगा और माइनस 7 और ये आ जाएगा माइनस का 8। ओके सो एबी तो आ गया, लेकिन इस एबी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना तो बहुत टफ है, इसमें कहीं जीरो ही नहीं है, एक ही जीरो है, इससे काम नहीं चलेगा ना हमारा। सो जीरो बनाओ यार, एक्स्ट्रा जीरो आ जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, ऑपरेशन एक करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर मैं 7R3 प्लस R2 7R3 इस वाली रो को 7 से मल्टीप्लाई किया और उसमें R2 को जोड़ दिया, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको कि जीरो बन जाएगा यहाँ पे 7R3 प्लस R2। मैं ऑपरेशन से लिख रहा हूँ क्या, एक है 7R3 प्लस R2, दूसरी ऑपरेशन भी लिखो, सेकंड ऑपरेशन ये होगी कि R3 को R1 में जोड़ो, ये रहा रो 3 और ये रहा रो 1, तो यहां से जीरो बन जाएगा, ठीक है। सो ये दो काम कर लो, आपका जो जो फॉर्म हो रहा है वो मैं यहां लिख देता हूँ क्या बनेगा भैया, ठीक है। सो ये R1 में इसको जोड़ के लिख देते हैं, सो R3 प्लस R1 यहाँ जीरो आ जाएगा, माइनस 19 प्लस 22 कितना आएगा 3, और माइनस 19 और ये माइनस 3 कितना आएगा माइनस 22 और 10 माइनस 7 3, सो ये R1 में आ जाएगा सारा, ये वाला स्टेप किसमें लिख देंगे R1 में। सो जो भी आ रहा है यहाँ पहले तो जीरो ही आ गया और मैं आंसर ही लिख रहा हूँ बेटे, है ना, R1 में लिखेंगे ये जोड़ के ऑपरेशन, ठीक है, 0 3 माइनस 22 एंड कितना आया था 3। ओके बेटे समझ आ गया होगा आपको, सो ये आ गया 3। ऐसे ही नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे, सो ये हमारा 7 टाइम्स करेंगे इसको 7 टाइम्स, है ना, और इसमें जोड़ देंगे, सो 7 टाइम्स करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना रहेगा 0 ही आएगा, 0 ये भी 0 ही आने वाला है, तो ये वाला जो स्टेप है वो R2 में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं R2 में, सो ये आ रहा है 0, 7 टाइम्स करके इसको जोड़ो 19 × 7, सो ये जुड़ेगा आपका तो आएगा 30, है ना, और इधर आएगा 52 और 7 × 2 = 14, 14 प्लस जुड़ेगा इसके साथ में तो 14 प्लस, हाँ सो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 30 52 माइनस 27 माइनस का 27। सो ये स्टेप आ गया ये ऑपरेशन करने को, ऐसा क्यों किया भाई, इजी हो गया हमारे लिए अब सॉल्व करना इसे, है ना, अब तो बहुत इजी हो गया। सो माइनस 2 के अबाउट क्या कर दो इसको, ये लाइन जिसके ऊपर मैंने खींची इसके अबाउट क्या कर दो इसको एक्सपेंड कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन। सो माइनस 2 के अबाउट एक्सपेंड करो, सो माइनस 2 का मतलब कॉलम के अबाउट ही कर रहे हैं, कर तो इसी कॉलम के अबाउट रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, जीरो वाले लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि जीरो वाले सारे क्या आने वाले हैं, जीरो के साथ जो टकराएंगे सब खत्म होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस ये भी ध्यान रखना है, इसमें कई बार कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, सो प्लस माइनस इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेस है हमारे पास करते हैं। सो बाकी तो सब जीरो ही आने वाले, जीरो के साथ में ये देखो ये जीरो के साथ में ये जीरो आ जाएगा, फिर माइनस जीरो के साथ में ये जीरो आ जाएगा, फिर माइनस टू वाला स्टेप आएगा, कॉलम और रो को ड्रॉप कर दो जो भी आ रहा है इसको लिख लो और फिर उसको ओपन करना होगा हमें, है ना, ये पूरा ही बचेगा लिख लोगे, सो ये आ जाएगा 3 माइनस 32 3 और माइनस 30 52 माइनस 27 और माइनस 9 78 माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लेना, बाकी तो हो ही गया आपका, बाकी तो सब जीरो ही आने वाला है।
ठीक है। सो कर लोगे आगे, इसमें भी कुछ कर दो भाई, सी वन माइनस सी थ्री कुछ करो, यहाँ पे जीरोस बनाने की कोशिश करो। मैं एंड में जो आंसर है वो लिख के दे रहा हूँ आपको, सो एंड में जो आंसर आएगा सो वो आपको बता देता हूँ। सी वन में से सी टू माइनस कर दो, देखो जीरो बनेगा, ठीक है। देखो सी वन माइनस सी टू करो या जीरो बनाने की कोशिश करो कुछ ना, है ना। सो मैं बता देता हूँ यहाँ क्या करेंगे, टेन टाइम्स कर दो सी थ्री का और सी वन में जोड़ दो, सी थ्री का टेन टाइम्स कर दो ये, और इसको किसमें जोड़ दो, माइनस कर दो यहां पर सी वन में, है ना। तो वहां से हमें जीरो मिलने के चांसेस है, ठीक है। सो और सी थ्री में से सी वन को माइनस कर दो, हाँ ये ठीक है, सी थ्री में से सी वन माइनस करोगे जीरो आएगा, ठीक है। और हाँ सही है, लिख दो सी थ्री माइनस सी वन, हाँ सी वन की जगह सी थ्री माइनस वन, सी थ्री माइनस सी वन जीरो बनाओ, यहाँ भी जीरो बनाने का टारगेट रखो आप, है ना। सो जो आएगा वो लिखते हैं यहाँ, है ना, ये आ जाएगा जीरो और फिर होगा माइनस, प्लस हो जाएगा ये, प्लस का थ्री, फिर आ जाएगा माइनस एट और प्लस का नाइन, वन आ जाएगा ये, वन आ जाएगा, ठीक है। सो ये काम आप कर लोगे, है ना, ये ठीक है, सी वन कीजिएगा सी थ्री वन, ठीक हो, तो आ जाएगा माइनस टू और साथ में सी थ्री माइनस सी वन, यानी कि थ्री माइनस थ्री जीरो और माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी हो गया, ये थ्री हो गया और माइनस एट वन आ गया, और फिर है यहाँ नेक्स्ट तो आप कर ही लोगे, है ना, माइनस थ्री थ्री और वन, ठीक है, सब सही है ना, बाकी सब सही है। सो ये स्टेप आप कर सकते हो, थ्री भी कॉमन निकाल लो जैसे भी आपको ठीक लगे। सो लास्ट में मैं आंसर बताने वाला हूँ इसका, ठीक है, लास्ट में जो आंसर आएगा वो बताता हूँ। और ये आ गया जीरो थ्री वन, ठीक है, सी थ्री माइनस सी वन, टेन सी थ्री प्लस सी वन करो और थ्री टाइम्स आर थ्री को आर वन में जोड़ दो, हाँ ये भी ठीक है, थ्री टाइम्स आर थ्री का आर वन में जोड़ दो, यहां से जीरो बनेगा, एक और जीरो, ठीक है, एक और जीरो आ गया। सो इस तरीके से आपका टारगेट होगा जीरोस बनाने का। मैं लास्ट में लिख देता हूँ ये सारे स्टेप्स करने के बाद में जो भी हमारा डिटरमिनेंट आएगा, सो वो क्या आएगा, ये सारे स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लो क्या क्या ऑपरेशन करने हैं आपने। सो एक हो गया टेन सी थ्री प्लस सी वन वाला, टेन सी थ्री प्लस सी वन वाला, एक अभी आपको मैंने बताया ऑपरेशन कौन सा था, वो माइनस थ्री आर थ्री प्लस आर वन वाला, माइनस थ्री आर थ्री प्लस आर वन वाला, इन सबको करने के बाद में जो आंसर ही लिखने जा रहा हूं, या फिर मैं कहूं तो डिटरमिनेंट लिख देता हूं, डिटरमिनेंट आएगा माइनस टू टाइम्स जीरो माइनस दो सौ छप्पन टू फिफ्टी सिक्स, क्योंकि टेन टाइम्स किया ना उसका, हाँ, और फिर आएगा माइनस थ्री और इधर जीरो जीरो इधर ज्यादा बनेंगे, एक और जीरो आएगा और वन आएगा, यही तो टारगेट था हमारा जीरो यहां बनाने का, फिफ्टी टू सेवेंटी एट, तो 52, 78, 3 और 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना क्या टफ है, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, इसके अबाउट एक्सप्लेन कर दो, मन के अबाउट, है ना। सो ये आ गया 1, माइनस 2 तो ऑलरेडी था, और फिर आ गया माइनस 256, माइनस 3, 52 और 3, ये मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया, ओके। सो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, 2, 2, 4, ठीक है, क्या है 1, 2, 2, 4, ठीक है। और ऐसे ही अगर डिटरमिनेंट ए को का और डिटरमिनेंट बी का दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं बता देता हूं, इसका डिटरमिनेंट आएगा माइनस 36, इसका भी आएगा माइनस 36, और दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो 1224 ही आ रहा है। सो अब आपका यह प्रूफ हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है ए बी के होल डिटरमिनेंट के इक्वल आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरा माइंड में फिक्स कर लो, है ना। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, तो पता ही है ना आपको क्या होता है, एम बाई एन मतलब एम रोज है उसमें और एन कॉलम्स है, और बी एक मैट्रिक्स है उसमें ऑर्डर है उसका एन बाई एन, मतलब उसमें एन रोज है और एम कॉलम्स है, और एक बात और है कि एम जो है वो एन से ग्रेटर है, मतलब रोज जो है वो कॉलम से ज्यादा है, मतलब इस केस में, इस केस में, नॉट इन दिस केस, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखो कितना इजी हो गया,
आपको फिर देखने की जरूरत ही नहीं होगी। एक मैट्रिक्स होगी 3x4 की और एक 4x3 की, दोनों मल्टीप्लाई करके आप जीरो दोगे, आप तो कहोगे यार ये तो काम बन गया हमारा। तो बताता हूँ मैं कैसे होगा, है ना। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉट मल्टीप्लीकेशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी बताते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, मैं पूरा नहीं लिखा, ये है आपकी एम बाई एन की, मतलब एम रोज होंगी, एम रोज है, या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एम, ऐसे ही कॉलम्स कितने होंगे, एन कॉलम्स होंगे इसमें, है ना। एन कॉलम्स ले लो, लास्ट वाला कॉलम जो है वो ऐसे उसमें फर्स्ट रो और एन, यहाँ जाएगा फर्स्ट रो एन एथ कॉलम, यहाँ क्या जाएगा सेकंड रो एन कॉलम, ऐसे लास्ट में आ जाएगा एम रो एन एथ कॉलम, है ना। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ठीक है जी। सो ऐसे ही एक दूसरी मैट्रिक्स है, वो है एन बाई एम की, है ना। देखो अब ये इस तरीके से मैं छोटी भी बना रहा हूँ, ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। सोचो कि सर ये आपने ऐसे लंबू सी बनाई है, ये ऐसे तरीके से बना रहे हो, बिकॉज एम जो है वो एन से बड़ा है, तो रोज जो है वो कॉलम से इस केस में ज्यादा है, और इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में कॉलम ज्यादा होने वाले। मेरी बात आप समझाई कईयों को, ठीक है। तो भगवान मालिक का भाई ये बातें भी नहीं समझा दी तो, ठीक है। देखिए सो यहां मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। कुछ लोगों को लगता है कि शायद सर को, मतलब सर के साथ हम गेम खेल रहे हैं, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा गेम खेलते हैं, है ना। सो उनको लगता है कि यार सर को क्या पता लग रहा है, है ना। लेकिन बेटे मुझे सब पता लग रहा होता है ना, ठीक है ना। सो जितनी लोगों की एज है उतने सालों से पढ़ाते हैं, तो हमें सब पता लगता रहता है, लेकिन हम बोलते नहीं, हम देखते हैं कि वो बच्चा कितना गिर सकता है, मतलब कितना गेम खेल सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ हम बात करते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रोज हमारी कितनी होगी एन, और कॉलम्स कितने होंगे एन, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और इसके बाद में आएगा, बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कभी शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, है ना। सो वो पढ़ाते समय की बार याद आ जाते हैं, है ना। तो मैं पूरा फोकस 100% ही कर पाता हूँ, सो दैट्स अ रीजन लॉस बच्चों का ही हो गया इसमें, है ना। तो ये आपका फिर एन और ये टू, फिर इसके बाद में क्या हुआ, और ये आ गया आपका यार बड़ो आगे, हाँ। और लास्ट में कह देगा ये कॉलम कितने हैं इसमें, रोज तो एन है, कॉलम्स कितने हैं, तो यहाँ एम से शुरू करो, एम वन लास्ट में, तो लास्ट वाला क्या आएगा, और रो रो एन नंबर है ना, सो एन एम तो सही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब इनके मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार यहाँ, है ना। सो अब आप बताओ कि ये जीरो आएगा मल्टीप्लाई करके, इनका इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। सोचो मैं अभी कुछ लिखने वाला हूँ, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। देखिए बेटे हम जो बात कर रहे थे वो ये कि ये आपकी जो मैट्रिक्स है वो एम बाई एन है और ये एन बाई एम है, और इनको मैंने यहाँ देखिए इस फॉर्म में लिखा है, देखिएगा, है ना। ये आपका m माइनस एन कॉलम्स में क्या आ रहे हैं, जीरोस आ रहे हैं, इनको मतलब सॉल्व करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो ये आएगा। और अगर हम या फिर ये हो गया, इसमें कितने रोज आ रही हैं आपकी, m माइनस एन रोज क्या आ रही हैं, जीरोस आ रही हैं, ये वाली, ये जीरोस आ रहे हैं, यहां आपके m माइनस एन क्या आ रहे हैं, कॉलम्स क्या आ रहे हैं, जीरोस आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, ठीक है। So here the matrices of the last product are, लिखा मैंने here the matrices of the last product are square and of order m, जो matrices हैं last product की वो क्या है, square है, और order उनका कितना है, m है। matrices last product की जो matrices हैं, last product की वो क्या है, square matrices हैं, और उनका order क्या है, m। Since each of the latter matrices है determinant zero, So, लास्ट में जितने भी आने वाले हैं उनका सभी का डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि डिटरमिनेंट जो होगा ए बी का वो क्या आएगा, जीरो आएगा। सो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, तो कोशिश करिए इसको समझने की, है ना। देखिए सो ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं आपका दो डिटरमिनेंट्स में, है ना। सो इसको स्प्लिट कर रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। देखिए इसको स्प्लिट करूंगा तो ये आएगा ए वन देन बी ए वन बी वन सी वन, हाँ
a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ओके। ऐसे ही इसको भी आपने क्या किया, स्प्लिट किया, x1 x2, हाँ x1 x2 x3, हाँ x3 तो आएगा, x3 y1 करके देख लो मल्टीप्लाई। लास्ट में आप सोच रहे हो क्या आएगा, लास्ट में तो जीरो ही आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करते, देखो यही आएगा, ये फर्स्ट रो जाके इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो a1 x1 b1 y1, देखो आ गया। फिर ये इससे करेगा, ये आएगा, फिर ये थर्ड कॉलम से करेगा, ये आएगा, ठीक है। सो अब ये जो आपके पास आया अभी, ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब आप तो समझ गए होंगे, अभी आपको कराया था मैंने जो उस मेथड से, इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ओके। प्रोडक्ट अगर ऐसे नहीं समझा रहा, वैसे समझ लो, इस रो के अमाउंट अगर एक्सपेंड करेंगे, सो इस रो के अमाउंट एक्सपेंड करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि इसमें एक पूरा कॉलम ही, रो ही पूरी जीरो है, तो ये जीरो के साथ जो टकराएगा ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, सो एक्सप्रेस द डिटरमिनेंट डी एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ठीक है, दो डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस करना है, या फिर अदरवाइज डी को जीरो से कर दो। तो जब प्रोडक्ट में आ जाएगा तो प्रूफ हो ही जाएगा। देखिए प्रोडक्ट में लेके आता हूं मैं इसको, सो ये मैं आपको बता देता हूं क्या आने वाला है। ये आएगा a1 a1 b1, ठीक है, ऐसे ही बढ़ाओ उसको आगे, a1 b1 0, a2 b2 0, a3 b3 0। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका किसके साथ होगा भाई, ये देखना जरा, b1 b2 b3, b1 b2 b3, a1 a2 a3, और 0 0 0, ठीक है, a1 a2 a3 0 0 0। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, ठीक है, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन रूल से आपको ये पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट की क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है, आपको ऑब्वियसली यहां से क्लियर हो गया होगा। सो इस तरीके से आप कई क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। वैसे भी इस पूरे की वैल्यू जीरो आएगी, इसकी भी वैल्यू जीरो आएगी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसको प्रूव करना है इक्वल टू जीरो। सो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो ये किसके प्रोडक्ट में है, ये दोनों, मतलब दोनों का प्रोडक्ट करके ही तो बनाया गया इसे। सो प्रोडक्ट है ये, देखिए x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1, ठीक है, नेक्स्ट 1 0 0 मल्टीप्लाई होगा, 1 0 0, और फिर आएगा ए बी सी माइनस ए बी सी, ये प्रोडक्ट, ओके, इन दोनों में जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो देखिएगा यहां लास्ट में जो स्टेप आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो, लास्ट वाला जो आपका स्टेप आएगा ये जीरो आने वाला है, आप देख सकते हो, ये बी सी माइनस, एक मिनट इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आएगा 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, इस रो के अमाउंट एक्सपेंड कर रहा हूँ, बाकी जीरो वाले सारे जीरो ही आने वाले, सो ये कॉलम और रो को छोड़ दिया, तो बी सी माइनस बी सी, सो दैट वुड बी जीरो, सो इन दोनों में जो प्रोडक्ट है वो जीरो आता है, सो जीरो से ये भी टकराएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। बस आप इसको स्प्लिट करना सीख लो, ठीक, हाँ जी, इफ ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा आर टू ट्रिपलेट्स ऑफ डिस्टिनेट नंबर्स, सो ये दो ट्रिपलेट्स हैं अलग अलग नंबर्स के, जैसे ये पहला ट्रिपलेट ये है, दूसरा ट्रिपलेट ये है, शो दैट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, सो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नॉट जीरो आएगी, ठीक है ना। सो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिएगा ध्यान से, इसको आप इसको ओपन करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये सो बी स्क्वायर माइनस 2b अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये, और इसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे, है ना, इन सभी को ओपन करो,
ठीक है, और देन आफ्टर हमारे पास जो भी आएगा उसको लिख लीजिए। आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी ये होगा और यहाँ भी ये होगा, सॉरी ये, बाकी आप ओपन कर दो इसको। ओपन करने के बाद में जो बनेगा उसको मैं सेपरेट करूंगा, पूरा ओपन कर ही देते हैं, चलो कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू बी बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस टू सी बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए गामा प्लस गामा स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू बी गामा प्लस गामा स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस टू सी गामा प्लस गामा स्क्वायर। सो ये आ गया, मेरी बात आ रही होगी समझ आपको। सो अब आप क्या करोगे, यहां ये सेपरेट करने का जो मेथड है वो प्रॉपरली हम अप्लाई करते हैं। या देखिए यह जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए वन, ए स्क्वायर देना जाएगा माइनस टू ए वन, माइनस टू, देखो मैं बताता हूँ आपको, माइनस टू ए वन, बी स्क्वायर माइनस टू बी वन, सी स्क्वायर माइनस टू सी वन, ये आ गया। और प्रोडक्ट होगा किसके साथ, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, देखना वन मल्टीप्लाई करके देख लो ये आएगा वन अल्फा वन बीटा बीटा स्क्वायर वन गामा गामा स्क्वायर, इन दोनों के साथ इसका प्रोडक्ट। सो बाकी तो आप कर ही लोगे, है ना। सो टू को आप बाहर निकाल सकते हो, टू आपका माइन, ये टू पूरा बाहर आ जाएगा, ये है ना, इसको बाहर निकाल दो, ये आ गया, बाकी आप कर लोगे आगे, है ना। सो इसको सॉल्व करेंगे और फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देना, किसको, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को। सो जो लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा, लिख लो, ये आएगा टू टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। ओके, ए बी सी और अल्फा बीटा अलग अलग डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स हैं, सो कोई भी फैक्टर इनका जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बेटे मैंने पहले कराया हुआ है, ये आपका वॉन्डर मोंडे कराया था ना डिटरमिनेंट, सो वहां से आप यहाँ से बता सकते हो कि ये जो है आपका, मतलब इसको दोनों में इंटरचेंज कर दो वही बन जाएगा। जैसे ये मैं बोल रहा था आपको कि वन 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 यहाँ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैंने एक पढ़ाया था ना फैक्टर थ्योरम, तो उसमें ये कराया था कि इस पूरे की वैल्यू ये आएगी, इस पूरे की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि ये फैक्टर है ना। सो और ये टू को बाहर निकाला हुआ हमने, मेरी बात आ गई होगी, माइनस टू ले लो, माइनस भी अगर आप ले लो कोई इशू नहीं है। सो ये नॉन जीरो तो है, वो तो वही हम प्रूफ कर रहे हैं, नॉन जीरो में ए बी सी अलग अलग है, अलग अलग है तो जीरो आने का सवाल ही नहीं उठता। सो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख लो, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ कॉस स्क्वायर अल्फा वन सिग्मा, मतलब समझा रहा होगा आपको कि सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा वन प्लस दिस, और ये दिया सिग्मा कॉस स्क्वायर बीटा वन, कॉस स्क्वायर गामा वन इक्वल टू क्या है वन, और इसकी वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा वन कॉस बीटा वन सिग्मा दिस एंड दिस 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 इक्वल टू जीरो, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको थोड़ा कोशिश करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, देखिएगा अगर मैं इसी को कॉस अल्फा वन कॉस, इसी को कॉस सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा कॉस अल्फा वन कॉस बीटा वन कॉस गामा वन, ये आएगा कॉस अल्फा टू कॉस बीटा टू कॉस गामा टू, कॉस अल्फा थ्री कॉस बीटा थ्री कॉस गामा थ्री, है ना। सो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखते हैं, ठीक है, दो दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर में आएगा, उसका जो भी आएगा उसको अंडर रूट कर देंगे, देखते हैं भाई आंसर क्या, पता जीरो ही आ जाए या वन आ जाए, कोई पता नहीं है ना। चलिए देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करेगा ये पहले कॉलम से, तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा वन कॉस स्क्वायर, एक मिनट, हाँ कॉस स्क्वायर अल्फा वन कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ वो रो को रो से करो, रो को कॉलम से नहीं, रो को रो कर सकते हैं डिटरमिनेंट में, रो बाय रो करो। सो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा थ्री, ये आएगा ना जी। सो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा वन, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा वन, फिर यही सेकंड रो जाके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेगी, तो
इस बार क्या आने वाला है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, या फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो से, हाँ इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस अल्फा वन कॉस बीटा टू, कॉस अल्फा टू बीटा टू, कॉस अल्फा थ्री बीटा थ्री, सो ये जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा कॉस अल्फा वन कॉस बीटा टू, सिग्मा कॉस अल्फा वन कॉस बीटा वन, ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐसे ही आगे होगा, तो आएगा सिग्मा कॉस अल्फा वन कॉस, ये आएगा सिग्मा कॉस अल्फा वन कॉस गामा वन, ये आएगा, अब ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिग्मा कॉस बीटा वन कॉस अल्फा वन, सिग्मा कॉस बीटा वन कॉस गामा वन, यानी कि सेकेंड रो जाके ये मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, मेरी बात आ रही होगी समझ आपको, फिर नेक्स्ट आएगा सिग्मा कॉस स्क्वायर बीटा वन, सिग्मा मतलब ये वाली रो इस बार इससे मल्टीप्लाई कर रही थी, तो ये आ गए, ठीक है, अब सेकंड सेकंड रो ही जाके सेकंड से मल्टीप्लाई करेगी, तो आएगा सिग्मा कॉस स्क्वायर बीटा वन, सेकंड रो ही अब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो आएगा कॉस बीटा वन इसके साथ, सो सिग्मा कॉस बीटा वन कॉस गामा वन, देखना जरा कोई गड़बड़ तो नहीं, सही है ना, और फिर यहां क्या ये वाली रो जब इससे करी थी, सॉरी अल्फा वन आएगा यहाँ, वही मैं देख रहा हूँ सेम कैसे आ गया, ये था ठीक है, और लास्ट वाला तो बताइए आपको, फिर अब ये थर्ड रो जाके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगी, तो आएगा सिग्मा कॉस गामा वन कॉस अल्फा वन, ये ही जाके अब सेकंड से मल्टीप्लाई करेगी इससे, सो ये वाली रो जाके आएगी, तो सिग्मा कॉस गामा वन बीटा वन, बात है कि बीटा वन गामा वन लिख लो, कॉस पूरा लिख लो, हाँ ये आ गया, और यही रो जाके अब इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो आएगा सिग्मा कॉस स्क्वायर गामा वन, अरे गेटिंग माय पॉइंट, सो ये आ गया कॉस बीटा वन, इसको लिख सकते हैं कॉस बीटा वन, ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर है, इस पूरे को हम वन लिख सकते हैं, देखना मेरी बात समझो, ये दिया हुआ बेटे ना बच्चे, ये सब दिया हुआ, ये देखो इसकी वन, इसकी जीरो, इसकी भी जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो जीरो वन, यानी कि आपको समझ आ गया होगा आपके पास क्या आया, बचा क्या आपके पास, एक आइडेंटिटी डिटरमिनेंट आया, सो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू ही वन आ गई, वन का स्क्वायर कर लो वन, बात तो एक ही है, ठीक है, तो यार आंसर लिख देता हूँ, इस पूरे का जो आंसर आया वो आया वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, सो दैट इज आंसर, और यू कैन राइट इट वन, सो इस तरीके के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, हाँ जी ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बेटे, और ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं, और ये पहला है एक्सप्रेस एज अ डिटरमिनेंट, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, दूसरा इफ ये पूरा जो है इक्वल टू जीरो है, एबीसी अलग अलग नंबर है, देन प्रूव ये करना है एबीसी एबी प्लस बीसी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो दिया है ये प्रोडक्ट है दो डिटरमिनेंट्स का, ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, दोनों ही थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स है, और ये प्रूव करना है, सॉरी प्रूव नहीं, हैज फाइंड इट्स वैल्यू, सो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके आप दीजिए, सो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, और ये लेक्चर आपके यहीं कंप्लीट करते हैं हम आज, और मैं आगे फिर एडजॉइंट कराऊंगा, एजुकेट कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सो बस ठीक है, यही कर लो आप लोग, है ना, चलो ठीक है, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।